सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। मेरा नाम गौतम लखानी है एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर टुडे सेशन इन व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द हिंदू न्यूज़पेपर ऑफ 5th जनवरी 2021, दैट इज ऑफ टुडे। आप लोगों को लग रहा होगा कि आज इतना लेट कैसे हो गया। एक्चुअली देयर वर सम हेल्थ इश्यूज, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी जिस वजह से हमने सुबह आज सेशन नहीं कंडक्ट किया और इस टाइम हम कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर, और उनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यह है कि देखिए, नया साल शुरू हो चुका है। हर कोई नए साल पर हम लोग जो है कोई ना कोई रेजोल्यूशन लेते हैं, तो अन अकेडमी भी यहाँ पर आपके लिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेकर के आया है। यहाँ पर आप में जो आप जो एस्पिरेंट्स हैं 2021 जिनका टारगेट है, या जिनका टारगेट 2022 है, या जिनका टारगेट 2023 है, वो अन अकेडमी के साथ मिलकर के, अकेडमी के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ मिलकर के अपना यूपीएससी सीएस एग्जामिनेशन को क्रैक यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए अन अकेडमी कुछ स्पेशल बैचेस लेकर के आया है जो कि 4 जनवरी यानी कल से शुरू हो चुके हैं। इन बैचेस के अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस कवरेज कराया जाएगा हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। प्रीलिम्स की आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी विद एनालिसिस, इसके अलावा पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और इंटरव्यू तक की आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। ये जो बैचेस रहेंगे, जैसे कि बात करें हम 2021 के लिए, तो 2021 आपको पता है प्रीलिम्स में सिर्फ 6 मंथ्स का समय बचा है, तो ये 6 मंथ्स का बैच कोर्स है प्रीलिम्स 2021 के लिए, जो कि यहाँ पर बायलैंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिलेगा। इसमें वही कंप्लीट सिलेबस कवरेज एंड बाकी सब फीचर्स आपको मिलेंगे। 4 जनवरी से ये शुरू हो चुका है। इसके अलावा आप में से कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका टारगेट 2022 है, तो आपके लिए अकेडमी कंप्लीट 1 ईयर का बैच कोर्स लेकर के आया है जो कि यहाँ पर 3 तरीके से लैंग्वेजेस में रहेगा। इसके अलावा आप में से कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कॉलेज में हैं अभी, तो आपके लिए यहाँ पर 2 ईयर्स का कंप्लीट जीएस बैच कोर्स अकेडमी लेकर के आया है। तो प्लीज जाइए जाकर इन बैचेस के अंदर अपने आप को एनरोल करिए, और अब यहाँ पर जीएस के साथ साथ ऑप्शनल के बैचेस भी ले सकते हैं। कॉम्बो ऑफर में आपको जो है हैवी डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेंगे, तो प्लीज जाइए जाकर इस हैवी डिस्काउंट को अवेल करिए, कॉम्बो ऑफर लीजिए और अन अकेडमी के साथ यूपीएससी सीएस एग्जामिनेशन को क्रैक करिए इंडिया के टॉप बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। तो प्लीज यहाँ पर यूज करिएगा हमारा रेफरल कोड रैंक10 फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। जब भी आप हमारा रेफरल कोड रैंक10 यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमें इस गिवन नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की। देखते हैं 5 जनवरी यानी आज के कौन से द हिंदू के अंदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो है यहाँ पर वो फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड है। देखिए, कल यानी कि 4 जनवरी को 7वीं बार 7th राउंड ऑफ टॉक्स जो है फार्मर यूनियन के बीच और गवर्नमेंट के बीच होने जा रही थी। इसके अंदर अगर हम बात करें तो बेसिकली यूनियन मिनिस्टर्स ने और जो प्रोटेस्टिंग फार्मर यूनियंस थे उन्होंने यहाँ पर बातचीत करी। हालांकि जो डेडलॉक बना हुआ है वो अभी भी यहाँ पर रिजॉल्व नहीं हुआ। फार्मर्स का कहना है कि ये जो तीनों नए लॉज हैं इनको जो है रिपील करा जाए। वहीं गवर्नमेंट सेंटर का कहना है कि इसके अंदर हम चेंजेस करने को तैयार हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों एक दूसरे को स्टबर्न कह रहे हैं कि सेंटर भी यहाँ पर जिद पर अड़ा हुआ है और फार्मर यूनियन भी यहाँ पर जिद पर अड़ी हुई है। फार्मर यूनियन का यहाँ पर कहना यह है कि इन नए लॉज को हटा करके हम लोगों के साथ बातचीत करके हमारे और फिर आगे चल करके लॉज नए बनाए जाएं, इनको यहाँ पर रिपील करा जाए। बट गवर्नमेंट का यहाँ पर कहना है कि हम इसमें अमेंडमेंट करने को तैयार हैं। बट अब देखिए, यहाँ पर कोई भी बातचीत का सिलसिला जो बातचीत के अंदर कोई भी जो मैटर था उसका रिजॉल्व नहीं हो पाया है, तो इसलिए अब नेक्स्ट जो बातचीत होगी वो 8 जनवरी को होने जा रही है। तकरीबन 40 दिन जो है यहाँ पर एजिटेशन को हो गए हैं, 40 दिन हो गए हैं पूरे जो फार्मर्स लगातार एजिटेशन कर रहे हैं, और तकरीबन 50 लोगों की इसमें डेथ भी हो चुकी है अब तक। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सर्दी है, बारिश भी हो रही है, तो इन सब वजहों से क्लाइमेटिक सिचुएशंस को झेलते हुए फार्मर्स यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर बातचीत जो है अब नेक्स्ट जो होने जा रही है वो 8 जनवरी को होगी। देखते हैं 8 जनवरी की बातचीत में क्या कुछ निकल करके आएगा। वी आर होपिंग कि जल्दी से जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो जाए, ताकि गवर्नमेंट के लिए भी और फार्मर यूनियंस के लिए भी जो यहाँ पर इस टाइम पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए बेहतर हो। ओके, अब चलते हैं अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये जो अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये वैक्सीन के रोल आउट से रिलेटेड न्यूज़ है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन के बारे में बोला। इन्होंने कहा कि द बिगेस्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो शुरू होने जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, आप सबको पता है, जिस वजह से इंडिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को वर्ल्ड का बिगेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम यहाँ पर बोला जा रहा है। अभी हमने देखा कि संडे को यहाँ पर बेसिकली जो हमारा DCGI था, इन्होंने क्या करा, जो यहाँ पर दो ड्रग्स थी, कोवैक्सीन
और साथ में कोवैक्सीन के अलावा कोविशील्ड, इन दोनों वैक्सीन को जो है यहाँ पर क्या दे दिया, मंजूरी दे दी। कोविशील्ड की अगर हम बात करें तो ये एक्स्ट्राजेनेका जो है बेसिकली ऑक्सफोर्ड की, उसके साथ मिलकर के सीरम इंस्टीट्यूट बेस्ड जो पुणे के अंदर है उसने बनाई है कोविशील्ड, और दूसरी तरफ जो कोवैक्सीन है वो पूरी तरीके से इंडिजिनस है, जिसको भारत बायोटेक ने मिलकर के बनाया है आईसीएमआर के साथ। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि अभी इन दोनों को, जैसे कि आप सबको पता है कि रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज की जो है अप्रूवल मिला है, यहाँ पर अगर आप देखें तो मोदी जी ने कहा कि देखिए हमें जो है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है और ग्लोबल डिमांड जो है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की हमें बनानी है, हमें इस तरह के स्टैंडर्ड और इस तरह की क्वालिटी लेकर के चलना है ताकि हमारे देश का नाम आगे चल करके रोशन हो और हमें आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसे यहाँ पर पूरा करना है। नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर कहना था कि देखिए हमें इंडियन प्रोडक्ट्स जो है लोगों के दिलों में उनकी जगह बनानी है और इसके लिए हमें जो है क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ये चीज इनका यहाँ पर कहना था नरेंद्र मोदी जी का। इन्होंने यहाँ पर बोला कि हमारे वर्ल्ड, हमने देश के साथ मिलकर के, वर्ल्ड के साथ मिलकर के जो है साइंस में भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट करा है, अब यहाँ पर टाइम ये है कि हमें जो है लोगों के घरों तक अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को पहुंचाना है और उनके दिलों में जगह बनानी है। तो इस तरीके की बात यहाँ पर करी, क्वालिटी के ऊपर इन्होंने ज्यादा फोकस करा। हालांकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर के कुछ एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर नाराजगी भी दिखाई है, उन्होंने कहा है कि ये हमने बहुत जल्दी करा है, बिकॉज जैसे कि आपको पता है कि दोनों वैक्सीन अभी फेज थ्री के अंदर है, फेज थ्री के ट्रायल्स दोनों के चल रहे हैं। और कोवैक्सीन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोवैक्सीन का तो अभी हमारे पास प्रॉपर तरीके से डेटा भी यहाँ पर नहीं है, तो कुछ साइंटिस्ट का, कुछ एक्सपर्ट्स का यहाँ पर कहना है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हमें यहाँ पर देखने को ये मिल रही है। तो देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके से क्या चीजें रहती हैं। ओके, अब चलते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये जो आर्टिकल है, ये न्यूज जो है हमारे पास ओडिशा से आई है। देखिए पेंगोलिन, आप सबको पता होगा पेंगोलिन एक बहुत स्पेशल तरीके का एनिमल हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ओडिशा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बेसिकली यहाँ पर प्रॉप वगैरह करा है कि यहाँ पर माना जा रहा था ओडिशा के अंदर ऑनलाइन ट्रेडिंग चल रही थी पेंगोलिन्स को लेकर के, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाए गए थे और उसके ऊपर जो है पेंगोलिन्स को यहाँ पर बेचा जा रहा था। अगर आप यहाँ पर देखें तो ओडिशा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन लोगों को पकड़ा भी है जो ये काम कर रहे थे। पेंगोलिन इतना ज्यादा जरूरी क्यों हो जाता है, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए पेंगोलिन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पेंगोलिन की इन टोटल 8 स्पीशीज जो है हमें देखने को मिलती है, जिसमें 2 स्पीशीज जो है इंडिया के अंदर भी देखने को मिलती है, जिसमें एक हो गया अपना इंडियन पेंगोलिन जिसको हम मानस करा क्रिस्कोडा डाटा के नाम से जानते हैं, थोड़ा सा टिपिकल नेम है तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। और इसके अलावा चाइनीज पेंगोलिन, ये 2 पेंगोलिन जो है हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। इंडिया के अंदर काफी ज्यादा थ्रेट है पेंगोलिन्स को लेकर के, क्यों, क्योंकि इनकी हंटिंग होती है, इनकी पोचिंग होती है लोकल कंजम्पटिव यूज के लिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो पेंगोलिन जो है बेसिकली वो रिच प्रोटीन का सोर्स माने जाते हैं और ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पर इनको देखा जाता है, तो इसलिए इनको काफी ज्यादा जो है इनकी पोचिंग और हंटिंग वगैरह करी जाती है। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनका इंटरनेशनल ट्रेड भी करा जाता है मीट के लिए। तो यहाँ पर इंडिया की अगर हम बात करें तो ये सब कुछ थ्रेट्स हमें जो है पेंगोलिन्स को देखने को मिलते हैं। अगर आप बात करें इनके IUCN स्टेटस की, तो IUCN रेड लिस्ट की अगर हम बात करें तो इंडियन पेंगोलिन जो है वो एंडेंजर्ड है और जो चाइनीज पेंगोलिन है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो ये एक यहाँ पर खतरे की बात है इन दोनों के लिए, इसी को लेकर के यहाँ पर गवर्नमेंट जो है काम करती रहती है कि इनको प्रोटेक्ट करा जा सके। अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा था मध्य प्रदेश के अंदर भी पेंगोलिन्स को लेकर के लास्ट ईयर काम वगैरह करे गए थे। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप बात करें तो दोनों स्पीशीज जो हैं ये देखिए कि शेड्यूल 1 पार्ट 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आती हैं, जो कि इनको यहाँ पर प्रोटेक्टेड स्टेटस देती हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो पेंगोलिन की प्रोटेक्शन के लिए वर्ल्ड पेंगोलिन डे भी जो है सेलिब्रेट करा जाता है। ये एवरी ईयर फरवरी के मंथ में जो 3rd सैटरडे आता है उसको जो है यहाँ पर ये सेलिब्रेट करा जाता है रिस्पेक्टिव ऑफ द डेट, यानी कि फरवरी मंथ का जो भी 3rd सैटरडे होगा तो उस 3rd सैटरडे को जो है क्या करा जाएगा, वर्ल्ड पेंगोलिन डे जो है यहाँ पर सेलिब्रेट करा जाएगा। तो अब फरवरी के मंथ में हमें आगे चल करके पेंगोलिन डे भी देखने को मिल रहा है। ये क्यों करा जा रहा है, ताकि अवेयरनेस बने लोगों के अंदर पेंगोलिन्स को लेकर के और साथ में लोग इकट्ठे मिलकर के वर्ल्ड जो है काम करे पेंगोलिन्स के प्रोटेक्शन के लिए, ताकि इनका एक्सटिंक्शन ना हो। तो ये था इस आर्टिकल के अंदर कुछ जिसमें हमने पेंगोलिन्स को यहाँ पर डिस्कस करा। ओके, अब चलते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये जो आर्टिकल है, ये जो न्यूज़ है, ये बेसिकली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से है। देखिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने एक सर्कुलर यहाँ पर इशू करा है स्कूल्स को और बोला है कि जो NCERT ने, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है NCERT, उसने जो स्कूल बैग पॉलिसी निकाली है 2020 के लिए, सब स्कूल्स जो है उसको फॉलो करें।
स्कूल बैग पॉलिसी के अंदर देखिए क्या करा गया, हर क्लास के लिए, हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेट जो है तय करा गया कि इस वेट कैटेगरी के अंदर ही बच्चों को स्कूल बैग लेकर के आने हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें क्लासेस 1 और 2 की, इनके लिए रखा गया कि 1.6 केजी टू 2.2 केजी तक का ही इनके बैग्स का वेट होना चाहिए। इसके अलावा क्लासेस 3rd, 4th एंड 5th के लिए यहाँ पर 1.7 टू 2.5 केजी का रखा गया। 5th और 7th के लिए, 6th और 7th के लिए यहाँ पर रखा गया 2 टू 3 केजी का। क्लास 8 के लिए रखा गया 2.5 टू 4 केजी का। क्लास 9th और 10th के लिए रखा गया 2.5 टू 4.5 केजी का। और क्लास 11th 12th के लिए रखा गया 3.5 टू 5 केजी का वेट। ये देखिए वेट यहाँ पर क्यों रखा जा रहा है, बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अथॉरिटीज का कहना ये है कि स्टूडेंट्स के लिए आज की डेट में बहुत ज्यादा सीरियस थ्रेट है उनकी हेल्थ को लेकर के ये बैग वेट्स, क्योंकि अगर हम बात करें हैवी बैग्स की तो ये अल्टीमेटली क्या करते हैं, आपके जो फिजिकल इफेक्ट्स हैं आपके ऊपर काफी ज्यादा एडवर्स छोड़ करके जाते हैं। जो हमारा वर्टिबल कॉलम होता है और हमारी जो नीज होती हैं उसको ये डैमेज करते हैं अगर आप हैवी बैग वेट्स जो है छोटे बच्चे उठाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये कुछ वेट जो है तय करे गए और यहाँ पर टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करी गई कि वो जो है यहाँ पर स्कूल बैग्स का वेट जो है चेक करें वंस इन अ 3 मंथ्स, और अगर ज्यादा है तो उनके पेरेंट्स को कम्युनिकेट करें। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से कि हर स्कूल की ये जिम्मेदारी है ताकि वो अपने बच्चों को, स्कूल के स्टूडेंट्स को क्वालिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करा सके, क्योंकि वाटर बॉटल का वेट काफी ज्यादा होता है। तो इसके लिए यहाँ पर अगर स्कूल से ही उन्हें अच्छा पानी मिलेगा, साफ पानी मिलेगा, तो यहाँ पर वो लोग अपने साथ वाटर बॉटल लेकर के नहीं आएंगे। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर हमारे पास स्कूल बैग से लेकर के और स्कूल बैग पॉलिसी को लेकर के। अब चलते हैं अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, एडिटोरियल की बात यहाँ पर करते हैं। देखिए यहाँ पर गवर्नर के ऊपर यहाँ पर एक ये जो आर्टिकल है उसके ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पर लिखा है गवर्नर शुड नॉट एक्सीड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज टू सर्व एज द एजेंट्स ऑफ द सेंटर। देखिए शुरू से ही अगर हम बात करें, जब से देश आजाद हुआ है, ये नहीं कि आज की बात है, शुरू से ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो गवर्नर का ऑफिस होता है ये हाईली डिस्प्यूटेबल ऑफिस यहाँ पर रहा है। यानी कि अगर हम इनकी बात करें तो कुछ गवर्नर्स ऐसे होते हैं जो कि सेंटर की परवाह किए बिना अच्छा काम करते हैं, और वहीं कुछ गवर्नर ऐसे होते हैं जो कि सेंटर के एजेंट के तौर पर मोटे तौर पर काम करते हैं। इस आर्टिकल की यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस आर्टिकल में जो ज्यादा फोकस करा गया है वो आरिफ मोहम्मद खान जो कि केरला के इस टाइम पर गवर्नर है उनके ऊपर यहाँ पर करा गया है। बेसिकली यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर ये कहा गया कि देखिए अभी हमने पीछे देखा कि जो केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने अपने ऑफिस का मिसयूज यहाँ पर किया। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान ने क्या कोशिश करी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है जो कि इलेक्टेड है, यानी कि लोगों ने जिस स्टेट गवर्नमेंट को चुना है, तो उनके खिलाफ जाकर के उनके काम करने में डिसरप्शन करना, तो ये सब काम जो है आरिफ मोहम्मद खान जी ने करे। कैसे, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस आर्टिकल में लिखा है कि देखिए अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर बेसिकली केरला की स्टेट असेंबली ने एक स्पेशल सेशन की डिमांड करी थी कि 23 दिसंबर को उनको जो है स्पेशल स्टेटस दे दिया जाए, स्पेशल सेशन करने की परमिशन दे दी जाए ताकि जो इस टाइम पर फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसको लेकर के ये लोग जो है बातचीत कर सकें असेंबली के अंदर। बट यहाँ पर जो बेसिकली केरला के गवर्नर थे उन्होंने कहा क्या ऐसी अर्जेंसी है, क्या इतनी आपको इमरजेंसी है जो आप ये स्पेशल सेशन करने जाते हैं, और इस वजह से यहाँ पर इन्होंने स्पेशल सेशन करने से मना कर दिया दिसंबर 23 को। इसके बाद दोबारा से जो है वहाँ के वहाँ के जो बेसिकली चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि भाई ये आप जो है अपनी अथॉरिटी का अब्यूज कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपकी पावर नहीं है, इट इज नॉट योर डिस्क्रिशनरी पावर। तो तब जाकर के यहाँ पर बेसिकली इन्होंने 31 दिसंबर को केरला को स्पेशल सेशन करने की परमिशन यहाँ पर दी। और उसके बाद हमने क्या देखा कि केरला के अंदर एंटी फार्म बिल जो है वहां पर पास कर दिया गया, ठीक है, यानी कि केरला जो है 5th स्टेट बन गया है जिसने जो सेंटर के फार्म बिल्स हैं उनके खिलाफ जाकर के एक बिल पास कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप बात करें तो देखिए केरला के साथ साथ राजस्थान के अंदर भी हमें इसी तरह के एग्जांपल देखने को मिले। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने भी स्पेशल सेशन की डिमांड करी थी जुलाई मंथ के अंदर 2020 में, बट उनको भी यहाँ पर परमिशन नहीं दी गई। इसके अलावा राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का भी कहना है कि प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए बिल्स को जो है नहीं भेजा जा रहा गवर्नर के द्वारा आगे। तो यहाँ पर बेसिकली ये बात करी जा रही है कि चाहे CAA वाला मैटर हो, चाहे अब फार्म प्रोटेस्ट का, फार्म बिल्स का मैटर हो, कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के साथ, इंडियन पार्लियामेंट के साथ डिसएग्री है और उसको गवर्नर
यहाँ पर अगेंस्ट देखते हैं तो वो चीज काफी ज्यादा गलत है। यानी कि गवर्नर यहाँ पर एक तरीके से कंफ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं, किसके बीच में, सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में। और गवर्नर जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना जो हमारा इंडिया का फेडरलिज्म है उसको वीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात यहाँ पर बोली गई। देखिए यहाँ पर इस आर्टिकल की अगर हम बात करें तो स्पेशल सेशन केरला की सरकार क्यों मांग रही थी, केरला की स्टेट लेजिस्लेचर स्पेशल सेशन की डिमांड इसलिए कर रही थी क्योंकि उनका कहना था कि जो सेंट्रल लॉज पास करे गए हैं फार्मर्स को लेकर के, ये बेसिकली एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बोला कि बिल्स इतने ज्यादा ये महत्वपूर्ण बिल थे और इनको स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजा गया, और यहाँ पर सेंटर जो है उसकी हैबिट बन गई है कि वो क्या करता है, रीजनल कंसर्न्स को ना देखते हुए हमेशा बिल पास कर देता है। ये चीज हमने काफी ज्यादा पहले भी देखी है इस गवर्नमेंट की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस बार सिर्फ अब तक अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ 10 बिल ऐसे थे जिनको स्टैंडिंग कमेटीज को फॉरवर्ड करा गया, तो ये एक बहुत चिंता का विषय है यहाँ पर। ठीक है, इतनी ज्यादा हेस्टीनेस के साथ बिल्स को पास करना बहुत ज्यादा गलत है ये, तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने बोला गया। और साथ में जिस तरीके से राज्यसभा से बिल पास हुआ इसको ऐसा मनी बिल बना दिया गया, यानी राज्यसभा के अंदर कोई बातचीत नहीं हुई, सीधा जो है वॉइस वोट के बेसिस पर इसको पास कर दिया गया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं गलत है, रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, इसको लेकर के यहाँ पर केरला ने बिल पास करा। बट मोटे तौर पर इस आर्टिकल की अगर हम बात करें तो इस आर्टिकल में गवर्नर्स की पावर को बोला गया कि गवर्नर जो है हमेशा यहाँ पर गलत पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली अगर हम यहाँ पर बात करें राजस्थान और केरला के गवर्नर की, ये बेसिकली जो फेडरलिज्म है उसको वीक करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर मोटे तौर पर क्या कहा जा रहा है कि गवर्नर्स शुड नॉट एक्सीड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज टू सर्व एज अ एजेंट ऑफ द सेंटर। देखिए अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो गवर्नर जो है वो क्या है, वो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि वो रियल हेड ऑफ द स्टेट नहीं है। रियल हेड ऑफ द स्टेट कौन हो जाता है, चीफ मिनिस्टर हो जाता है। रियल हेड ऑफ द स्टेट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो क्या है, इलेक्टेड है, लोगों ने उसे इलेक्ट करके भेजा है, लोगों की आवाज वो वहां पर उठाते हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व वो वहां पर करते हैं। और इस केस में जो यहाँ पर नॉमिनल हेड हो जाते हैं गवर्नर, तो उनको यहाँ पर ये काम शोभा नहीं देता कि वो स्टेट लेजिस्लेचर के काम को डिसरप्ट करें और यहाँ पर सेंटर के एजेंट के तौर पर काम करें। तो ये सब चीजें इस आर्टिकल के अंदर थी जिसको मैंने यहाँ पर आपको बताया। ओके, अब चलते हैं अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है पाकिस्तान से रिलेटेड। देखिए FATF, आप सबको पता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग जो है अब होने जा रही है। तो यहाँ पर जब भी FATF की कोई मीटिंग होती है तो पाकिस्तान क्या करता है, कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन कर देता है ताकि वो दिखा सके कि हाँ वो भी टेररिज्म को लेकर के, टेररिस्ट ग्रुप्स को लेकर के काफी ज्यादा क्या है यहाँ पर अवेयर है और उनको कंट्रोल करने का काम कर रहा है। अभी हमने क्या देखा, दो दिन पहले जाकिर उर रहमान लकवी जो कि लश्कर ए तायबा के ऑपरेशन का कमांडर था, जिसने 2008 में मुंबई अटैक्स कराए, उसके साथ लिंक्ड है वो, उनको जो है यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया। तो अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें, जाकिर उर रहमान लकवी की जो ये यहाँ पर अरेस्ट करा गया, अब यहाँ पर इसकी टाइमिंग को देखिए, FATF की मीटिंग जो है यहाँ पर होने जा रही है जनवरी के मंथ में होने जा रही है और इसमें यहाँ पर बातचीत करी जानी थी कि भाई जो पाकिस्तान का स्टेटस है ग्रे लिस्ट का उसको बनाया जाए या उसको आगे चल करके ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। तो जब भी इस तरीके की कोई मीटिंग होने जा रही होती है FATF की, तो हमेशा पाकिस्तान जो है इस तरीके का काम कर देता है, दिखाता है कि हाँ मैं भी जो है यहाँ पर एंटी टेररिज्म को लेकर के, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, टेरर फाइनेंसिंग को लेकर के काम कर रहा हूँ। इससे पहले जब मीटिंग हुई थी तो हमने देखा था हाफिज सईद को अरेस्ट कर लिया गया था, उसको कन्विक्ट कर दिया गया था, एक चीज हमने देखी थी। बट अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो ये चीज क्या है, ऊपरी तौर पर दिखावा है सिर्फ। पाकिस्तान जो है क्या करता है, ये सब जो है सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ करता है ताकि FATF के अंदर वो अपनी इमेज को जो है बचा सके, उसको जो है एम्बेरस होने का मौका यहाँ पर ना मिले। तो यहाँ पर अगर आप देखें FATF ने जो है पाकिस्तान के आगे जून 2018 में 27 पॉइंट एक्शन प्लान रखा था कि भाई आप जो है ये 27 पॉइंट्स को फॉलो करिए और तभी जाकर के आपके स्टेटस के ऊपर हम बातचीत कोई करेंगे। यहाँ पर अक्टूबर 2019 तक का टाइम पाकिस्तान को दिया था, बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी भी 6 जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान ने फुलफिल नहीं करे हैं, सिर्फ 27 में से 21 पॉइंट्स को ही पाकिस्तान ने यहाँ पर फुलफिल करा है। तो पाकिस्तान का स्टेटस की फिलहाल अगर हम बात करें तो ग्रे लिस्ट के अंदर हमें पाकिस्तान देखने को मिलता है और माना जा रहा है कि उसको ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। और अब यहाँ पर इस तरीके की कार्रवाई से, जाकिर उर रहमान लकवी की अरेस्ट से, तो यहाँ पर पाकिस्तान अपने आप को बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहा है, FATF में अपने आप को एम्बेरस होने से बचा रहा है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो देखिए पाकिस्तान क्या है,
माना जा रहा है कि इस टाइम पर ये रिप्राइव यानी कि डिले ऑफ पनिशमेंट इसको हो सकता है। बट इंडिया लगातार पाकिस्तान के एक्शंस को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है, चेक कर रहा है कि कैसे काम हो रहा है। अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो पाकिस्तान के अंदर अभी क्या हुआ, वहां के अगर आप क्रिमिनल और जुडिशरी सिस्टम को समझने की कोशिश करें तो अहमद उमर शेख सईद, जो कि बेसिकली 1999 हाईजैक प्लेन के दोषी थे और जिन्होंने 2002 में एक अमेरिकन जर्नलिस्ट का मर्डर भी कराया, उनको बेसिकली यहाँ पर ओवरटर्न कर दिया गया उनके कन्विक्शन को, ये बोल करके कि भाई इनके खिलाफ कोई ज्यादा सबूत हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर पाकिस्तान टेररिस्ट को अटैक अरेस्ट तो कर लेता है, बट अरेस्ट करने के बाद वहां पर उनके साथ फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं करा जाता, ठीक है। तो ये वहां के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की और जुडिशियल सिस्टम के बारे में बताता है कि कैसे वो लोग जो है टेररिज्म को ट्रीट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर खतरनाक चीज है। ये चाहे अगर आप बात करें जाकिर उर रहमान लखवी की, इनको यहाँ पर अरेस्ट करना हो, या बात करें अगर हम हाफिज सईद की, हाफिज सईद जो कि इंटरनेशनल टेररिस्ट है, इसको बेसिकली सिर्फ और सिर्फ टेरर फाइनेंसिंग के बेसिस पर ही यहाँ पर उसके चार्जेस पर ही यहाँ पर अरेस्ट करा गया। और कहीं ना कहीं अगर आप बात करें मसूद अजहर की, तो मसूद अजहर तो आज की डेट में भी इनसे अवेड है, यहाँ पर भागा हुआ है और इसके ऊपर यूएन के सैंक्शंस भी हैं। जबकि तो पाकिस्तान का ये बिहेवियर कि जब भी एफएटीएफ की कोई मीटिंग होने लगती है तो किसी ना किसी आतंकवादी को ये पकड़ लेते हैं, ये बहुत गलत चीज है यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रही है। और पाकिस्तान हमेशा क्या करता है, रिप्राइव की कोशिश करता है कि उसे रिप्राइव मिल जाए, यानी कि डिले ऑफ पनिशमेंट उसको यहाँ पर मिल जाए। तो ये चीज यहाँ पर है इस आर्टिकल के अंदर, मैंने आपको बताया कि कैसे अब जाकिर उर रहमान लखवी की जो अरेस्ट हुआ है उसमें एफएटीएफ में पाकिस्तान अपने आप को बचाएगा। ओके, अब थोड़ा सा एफएटीएफ के बारे में जान लेते हैं। देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर बनाया गया था। इसके अगर हम नाम की बात करें तो इसका जो रियल नाम आ जाता है, फ्रेंच नेम जो इसका आ जाता है, वो है ग्रुप एडेक्स फेनेसेरिया गैफी करके जो इसका फुल फॉर्म है। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1989 में G7 जो ग्रुप है उसने यहाँ पर इसको फाउंड करा था। इसका काम क्या था कि मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना। देखिए 1980s 1990s की अगर हम बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग उस टाइम पर बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट था। और यहाँ पर आगे चल करके फिर 2001 में जैसे जैसे टेररिज्म बढ़ा तो टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी है एफएटीएफ के अंदर रख लिया गया। अगर आप एफएटीएफ के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो एफएटीएफ का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है कि ये एक स्टैंडर्ड और एक तरीके से प्रमोशन करे इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीगल रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर फॉर कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, यानी कि टेररिज्म फाइनेंसिंग को लेकर के और मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए ये यहाँ पर काम करे। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो एफएटीएफ क्या है, एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, ठीक है, जो कि यहाँ पर काम वगैरह करती है। 2000 से अगर हम बात करें तो एफएटीएफ ने दो लिस्ट जो है बनाई है जिसमें ब्लैकलिस्ट आ जाती है और ग्रे लिस्ट आ जाती है। ब्लैकलिस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सैंक्शंस वगैरह लगाना, एक्शंस कॉल फॉर एक्शन की बात यहाँ पर करी जाती है, और ग्रे लिस्ट में मॉनिटर करा जाता है कि भाई अगर आप यहाँ पर काम कर देंगे तो आपको जो है बचा लिया जाएगा, आपको ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जाएगा। अगर आपने कुछ पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया पाकिस्तान को 27 पॉइंट एक्शन प्लान दिया कि भाई अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो ग्रे लिस्ट के अंदर मोटे तौर पर मॉनिटर कराया जाता है और ब्लैक लिस्ट के अंदर सीधा सीधा सैंक्शन लगा दिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर था आर्टिकल जो कि मैंने आपको एफएटीएफ के बारे में बताया और पाकिस्तान की हरकतों के बारे में बताया कि जब भी एफएटीएफ की मीटिंग होने जा रही होती है पाकिस्तान कोई ना कोई ऐसा काम कर देता है कि वो अपने आप को एम्बैरस होने से इंटरनेशनल लॉबी के आगे बचा लेता है। ओके, सत्यम का क्वेश्चन प्लीज, थैंक यू सत्यम, थैंक यू फॉर योर कंसर्न, थैंक यू फॉर योर विशेस। कल से जो सेशन होगा मोस्ट प्रोबेबली वो मॉर्निंग ही होगा, आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी जिस वजह से सेशन हमने आज आफ्टरनून नून में किया है। कल का जो सेशन होगा वो मॉर्निंग 7:30 ही होगा। ओके, चलते हैं, बात करते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। देखिए केरला की अगर हम यहाँ पर बात करें तो केरला के अंदर हमें जो है बर्ड फ्लू देखने को मिला है 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। इन्फ्लुएंजा ए टाइप जो वायरस होता है उसके अंदर H5N8 वायरस हमें जो है देखने को यहाँ पर मिला है। इस स्ट्रेन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो एवियन इन्फ्लुएंजा को लेकर के ये बेसिकली ह्यूमंस के अंदर तो कम ही स्प्रेड होता है बट बर्ड्स के अंदर ज्यादा स्प्रेड होता है। इसी वजह से तकरीबन 1700 डकलिंग्स जो हैं वो केरला के अंदर उनकी जो है जान चली गई है इस टाइम पर। और केरला गवर्नमेंट ने जो है इस टाइम पर हाई अलर्ट जो है मंडे को यहाँ पर घोषित कर दिया है कि भाई इसको देखते हुए, अब बर्ड फ्लू को देखते हुए यहाँ पर कंट्रोल करने की यहाँ पर बात करी जा रही है। तो ये छोटा सा आर्टिकल था, देखिए इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरसेस के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लीजिएगा कि क्या इनके सब टाइप्स होते हैं। HA और NA करके दो इनके सब टाइप्स होते हैं और इनकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो तकरीबन 18 प्रकार के HA सब टाइप्स होते हैं और NA होते हैं 11 टाइप के। तो ये चीज आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा। ओके,
अब चलते हैं अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये जो न्यूज है ये बेसिकली आ रही है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड। इंडिया, आपको पता है कि इस टाइम पर इंडिया जो है यहाँ पर 2021-22 के लिए इंडिया को जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाया गया है, नॉन परमानेंट मेंबर। इंडिया के साथ साथ यहाँ पर आयरलैंड, मेक्सिको, केनिया एंड नॉर्वे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए दिस इज द एट टाइम, ये आठवां टाइम है, एट्थ टाइम है जब इंडिया को जो है यहाँ पर क्या करा जा रहा है, इलेक्ट करा जा रहा है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। और इंडिया के साथ आयरलैंड, मेक्सिको, केनिया एंड नॉर्वे जैसी कुछ कंट्रीज हैं जिनको जो है यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर यूएनएससी का मेंबर बनाया गया है। इंडिया की यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए अभी नेशनल फ्लैग का जो है बेसिकली इंस्टॉलेशन करा जा रहा था, जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन के अंदर TS त्रिमूर्ति जी, इन्होंने बेसिकली यहाँ पर ट्राइकलर इंस्टॉल होते टाइम, हमारा नेशनल फ्लैग इंस्टॉल होते टाइम बोला कि देखिए इंडिया जो है वो 1/6 ऑफ द ह्यूमैनिटी को जो है क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, और इंडिया जो है वो स्ट्रांगली कमिटेड है रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म की तरफ, रूल ऑफ लॉ की तरफ और फेयर और इक्विटेबल इंटरनेशनल सिस्टम की तरफ। जहां पर इन्होंने बोला कि पीस और सिक्योरिटी के लिए और डेवलपमेंट के लिए इंडिया हमेशा काम करेगा। साथ में इन्होंने यहाँ पर बोला कि इंडिया जो है ह्यूमन सेंट्रिक इश्यूज को हमेशा उठाएगा और टेररिज्म जैसे इशू के खिलाफ हमेशा आवाज यहाँ पर करता रहेगा, ये चीज इन्होंने बोली। इन्होंने यहाँ पर बोला कि पीस कीपिंग को लेकर के और मैरिटाइम सिक्योरिटी को लेकर के, विमेन और यूथ इश्यूज को लेकर के और साथ में टेक्नोलॉजी इश्यूज को लेकर के हमेशा इंडिया जो है इस तरीके के मुद्दे उठाएगा जो कि लोगों के हित के लिए होंगे। और यहाँ पर त्रिमूर्ति जी ने स्वामी विवेकानंद जी को कोट करा और उनका जो आइडिया था वसुदेव कुटुंब का कि भाई यूनिवर्सल फैमिली है, उसको यहाँ पर बोला। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यूएनएससी के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, इंडिया ये एट्थ टाइम जो है, आठवीं बार एट्थ टाइम जो है यहाँ पर जो है इलेक्ट हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, इंडिया के अलावा आयरलैंड, मेक्सिको, केन्या एंड नॉर्वे आर द अदर फोर कंट्रीज जो कि इस टाइम पर इंडिया के साथ यहाँ पर नॉमिनेट करी गई हैं, यहाँ पर एज अ नॉन परमानेंट मेंबर जिनको बनाया गया है। तो ये दो चीजें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल जो है बेसिकली जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उनकी विजिट से रिलेटेड है। जनवरी 5 to 7 तीन दिन का दौरा जो है इन्होंने यहाँ पर श्रीलंका में किया है। अगर हम बात करें तो आज से ये श्रीलंका जा रहे हैं। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो देखिए इस टाइम पर चाइना को काउंटर करने के लिए श्रीलंका का हमारे साथ होना, श्रीलंका के साथ हमारे बेहतर डिप्लोमेटिक रिलेशंस होना, ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर बातचीत करी जाएगी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रांग करा जाएगा, और जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है बेसिकली कोलंबो पोर्ट के ऊपर, उसके रिलेटेड भी यहाँ पर बातचीत वगैरह करी जाएगी। अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो बेसिकली यहाँ पर दोनों देश जो है लगातार काम कर रहे हैं। अगर आप बात करें इंडिया की और इस विजिट की, तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से श्रीलंका हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये विजिट एस जयशंकर जी की भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए। ठीक है, अब चलते हैं अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये जो आर्टिकल इकोनॉमी से रिलेटेड है, देखिए अगर हम बात करें दिसंबर के मंथ की, तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो थोड़ा सा हमें स्ट्रेंथन होता हुआ देखने को मिला। हालांकि जो इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन था वो हमें बहुत ज्यादा हाई देखने को मिला। अगर आप यहाँ पर देखें PMI को, तो जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है वो हमें 56.4 देखने को मिला दिसंबर में, नवंबर में वो 56.3 था, तो थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे जैसे थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो रहा है, तो इससे क्या पता लग रहा है कि सपोर्टिव डिमांड जो है हमें देखने को मार्केट के अंदर मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स अब भी हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट लगातार जो है बढ़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन की, यानी कि यहाँ पर जो भी चीजें खरीदी जाती हैं केमिकल्स, मेटल्स, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो इनकी कॉस्ट जो है, इनका इन्फ्लेशन जो है 26 मंथ हाई है, यानी कि पिछले 26 महीनों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा महंगा है इस टाइम पर इनपुट कॉस्ट, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर चिंता का विषय है। हालांकि अगर आप बात करें एक्सपोर्ट ऑर्डर की, तो वो हमें 4 मंथ लो देखने को मिला है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड। अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ये जो न्यूज है ये बेसिकली आ रही है वियतनाम से। वियतनाम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो टिकट्स के अंदर पहली बार जो है वियतनाम इंडिया से राइस खरीदेगा। यहाँ पर अगर आप देखें, वियतनाम खुद वर्ल्ड का थर्ड बिगेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का, और वो यहाँ पर इंडिया से अब क्या करना चाह रहा है, राइस खरीदना चाह रहा है। पहली बार ये होने जा रहा है कि इंडिया से वियतनाम जो है यहाँ पर राइस खरीदेगा। अगर आप यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करें तो देखिए क्या हुआ कि वियतनाम की मार्केट के अंदर बढ़ गया, जिस वजह से देखते हुए 70,000 टन
का जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर राइस के लिए यहाँ पर करा गया। ब्रोकन राइस जो होता है, टुकड़ा राइस जो होता है, वो यहाँ पर वियतनाम हमारे से खरीदेगा। अगर हम बात करें तो जो अमाउंट में खरीदेगा वो है $310 फॉर टन, पर टन के लिए यहाँ पर $310 जो है यहाँ पर वियतनाम पे करेगा। अगर आप वियतनाम की राइस के साथ इसको कंपेयर करें तो वियतनाम का जो राइस होता है वो बेसिकली 500 से लेकर के ₹505 डॉलर पर टन का होता है। वहीं इंडिया के प्राइस की अगर हम बात करें तो 381 से लेकर के $387 पर टन होता है। तो प्राइसेस के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं, ह्यूज डिफरेंसेस में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी वजह से एक्सपोर्ट जो है यहाँ पर वियतनाम में हो रहा है। इससे पहले हमने देखा था चाइना को भी हमने जो है एक्सपोर्ट करा था राइस का, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है ये कि वियतनाम हमारे से पहली बार जो है राइस वगैरह खरीद रहा है, और किस रेट पे खरीद रहा है, $310 पर टन के हिसाब से जो है यहाँ पर हमारे से राइस खरीदा जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल था जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो आज के सेशन में इतना ही गाइस, जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे उनको हमने यहाँ पर डिस्कस करा आज के सेशन का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। आज का सेशन हमारा थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज देयर वर सम हेल्थ इश्यूज, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। कल का जो हमारा सेशन रहेगा ना, इन आर टुमारो सेशन वी विल बी मीटिंग एट 7:30 ओनली, जो हमारा 7:30 बजे अर्ली मॉर्निंग सेशन होता है उसी को कल से हम कंटिन्यू करेंगे। आज सिर्फ एक्सेप्शन केसेस था। तो अब मैं अगर आपको आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बताऊं तो वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो रहेगा, आपको गवर्नर के बारे में पढ़ना है। गवर्नर की पावर्स को आपको यहाँ पर समझना है कि क्या गवर्नर के पावर है, गवर्नर कैसे काम करते हैं, उनको यहाँ पर आपको देखना है। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा आज का रहेगा वो रहेगा FATF एंड पाकिस्तान, इसके बारे में आपको पढ़ना है। हालांकि मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी बट आपको FATF एंड पाकिस्तान के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, और FATF के बारे में देखना है कौन कौन मेंबर्स एंड एवरीथिंग अबाउट इट। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपका रहेगा वो आज आप पढ़ सकते हैं बर्ड फ्लू से रिलेटेड। बर्ड फ्लू के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, इन्फ्लुएंजा ए टाइप वायरस के बारे, एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में पढ़िए। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर आज ज़्यादा पढ़नी है। ओके, आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाकी कल जो हमारा सेशन रहेगा वो मॉर्निंग 7:30 ही रहेगा। आज इसलिए रहा क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। गुड बाय, गुड लक, हैव अ गुड डे।